बार फिर से आप सभी का हमारे साइंस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो क्वेश्चन कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड, जो कि और सारे क्वेश्चन आपके या तो नेट में आए हुए हैं या फिर आपके गेट में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आया था, एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए चार्ज डेंसिटी दिया है आपका, लीडिंग ऑर्डर टर्म फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूछा है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम गॉस ला लगाएंगे। तो गॉस ला आपका क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, और जो आपका जो है वो स्फीयर है इसलिए डी एस जो एरिया होगा वो हो जाएगा 4π d² क्योंकि डी क्या है आपका रेडियस, डिस्टेंस दिया है तो क्यों पान एप्सिलॉन जीरो, तो ई जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी की पावर -2 के। ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिया था डी की पावर -1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या डी की पावर -2 डी की पावर -3, तो डी की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताया है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये पूछा है। तो हम क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम गॉस ला लगाएंगे। तो गॉस ला क्या है आपका, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, और इसमें दिया है रो दिया है तो रो क्यू इक्वल टू की जगह क्या रख देंगे, रो इंटू बी, तो हम क्यू की जगह क्या रख दिया, रो इंटू बी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये आपका ई तो बाहर हो गया, डी एस जो एरिया होगा वो एरिया आपका सॉलिड स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4π r² क्योंकि r क्या है आपका रेडियस है, तो 4π r² हो गया रो बी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। वी स्फीयर के लिए क्या होगा, स्फीयर के लिए आपका 4π 4/3π r³, यही तो होता है अपॉन ये आपका इधर डिवाइड कर देंगे ये हो गया, तो 4π r² से 4π r² कट गया, तो आपका जो आंसर आया है वो आंसर आया है इक्वल टू रो आर अपॉन 3 ε₀, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं वो अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सर्कुलर पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, तो ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट जो करता है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ पूछ रहा है। तो ये आपके तीन ऑप्शन दिए, इन तीन ऑप्शन में पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये क्या होगा आपका माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी बचे ये दोनों ऑप्शन। दूसरा है कि अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो जो मैग्नीट्यूड है आपका ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों, और इसमें आई वाई होगा, ई जीरो एक्स होगा, आई ई जीरो होगा दूसरे का, तो आई ई जीरो ना हो करके हमें क्या करना है, ये वाला ई जीरो होगा, ई जीरो पॉजिटिव होगा, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया बच्चों, ये भी आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन आया है बच्चों वो क्वेश्चन ये आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर के कैसे एक पॉइंट सोर्स के लिए आर पे कैसे डिपेंड करते हैं, तो आर पे जो पॉइंट सोर्स के लिए डिपेंड करते हैं या ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r², ये आपके पॉइंट सोर्स पे डिपेंड करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है गेट में। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको जो ई दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये है तो आपका जो थीटा पूछा था इन्होंने, थीटा क्या होगा, तो देखिए अगर हम ई एक्स निकालें, ये ई एक्स हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट में माइनस आ रहा, माइनस की जगह हमने पाई कर दिया तो प्लस बना दिया। ठीक है, तो फेज डिफरेंस हमारा क्या हो गया, पाई हो गया, और पाई फेज डिफरेंस जहाँ भी होगा वहाँ पे हमारा लीनियर पोलराइज्ड होता है
वेव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे अगर दो ई एक्स ई वाई अगर पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है तो वो कैसे होंगे, आपका कौन सा पोलराइजेशन होगा, लीनियरली पोलराइज्ड वेव होते हैं। तो अब इसका थीटा पूछा है, थीटा पूछा है तो बच्चों क्या होगा, टेन थीटा होता है ई वाई अपान ई एक्स। तो ई वाई हमारा ये हो गया, ये रख दिया और ई एक्स ये रख दिया, तो वाई या तो 45 होगा या 135। यही माइनस वन किसका वैल्यू होता है, या तो 45 का प्लस वन होता है तो माइनस रहेगा, और या फिर 135। तो आपके आंसर क्या होगा, या -45 डिग्री या आपका 135 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये वेव कैसा था, लीनियरली पोलराइज था, और थीटा कितना था आपका 45 माइनस का और 135, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन ये आया है बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए हम क्या लगाएंगे, गौसला ई डॉट डी एस। अब सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्यू क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो आपका हर जगह पे क्यू क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो आपका इनसाइड क्या होगा, इनसाइड क्यू क्या होगा, जीरो होगा। जीरो की वजह से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो बन जाएगा। तो ये भी आपका गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछे गए फार्मूले हैं कि बी इक्वल टू क्या होता है, करेक्ट रिलेशन। ये नेट में आए हुए क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में वो भी। तो बी इक्वल टू क्या होता है, करले ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेड फाई माइनस डेबर ए ओवर डेबर टी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये गॉस लॉरेंज गॉस कंडीशन भी होता है ये वाला, ठीक। तो अगला ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 5 मार्क्स में। तो ये इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ए ऑफ फाई के ई क्या ये होगा। तो ये क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई प्लस डेवर अपान डेवर टी डाइवर्जेंस ए इक्वल टू माइनस रो अपान एप्सिलॉन जीरो। मैं ये लास्ट में सारे आपके मेरे पास फार्मूले इकट्ठे लिखे हुए हैं, वो मैं फार्मूले आपको बताऊँगा, ठीक है, जब तक जब ये लास्ट होगा या अगले लेक्चर में आप कहेंगे तो अगले लेक्चर में बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आया है आपका, ये आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है ये दिया है, और आपका देन वेव वेक्टर पूछा था। तो इसकी जो ये जो आपका कंपेयर है, इसकी कंपेयर इस ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है इक्वल टू ई जीरो ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से इसका ये करेंगे के डॉट आर, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, बस इतना करना था आपका। तो ये हो गया आपका, ये भी गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेट के आए हुए क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है, दी एंगल ये ई एक्स ई वाई दिया है आपका। तो इसमें आपसे पूछा है कि वो इसमें पूछा गया है, एक सेकंड, इसमें जो एंगल पूछा गया है बच्चों, तो एंगल हमें क्या करना है, टैन थीटा क्या होता है, माइनस ई वाई अपान ई एक्स, यही तो बताया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ई वाई अपान ई एक्स। तो ई वाई अपान ई एक्स, तो ये क्या होगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। बस इतना आसान आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये आपका गेट या नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट ये बच्चों को एक क्वेश्चन आया है नेट का, ये नेट नहीं, शायद गेट में आया है ये वाला क्वेश्चन आया है। इसमें ER और ET दिया है, तो आपका बाउंड्री कंडीशन पूछा है, और ये दिया है, वैल्यू दिया है आपका। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर ये बताते हैं हम कैसे होता है। जो फार्मूला होता है वो आपका ER अपान EI जो होता है, N1 माइनस N2 अपान N1 प्लस N2 होता है, ठीक है, या ET अपान E0। ये फार्मूला अलग है, ये वाला फार्मूला, यानी ट्रांसमिशन वाला अपान इंसिडेंट वाला, 2N अपान N1 प्लस N2। तो हमने क्या कर दिया, ER निकालना है हमें, तो E0 और यहाँ से N1 कामन लिया, यहाँ से भी N1 कामन लिया, कट गया, 1 माइनस N2 अपान N1 प्लस N2 अपान N1। और N2 अपान N1 का जो वैल्यू दिया है वो आपको दिया है 1.5 बच्चों, हमने रख दिया और हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, ऐसे ही हमने ये ET वाला निकाल लेंगे। तो ET वाला कैसे निकालेंगे, देखो ET वाले में क्या किया हमने, N1 कामन ले लिया, तो N1 जो ऊपर था N1 कट गया इससे, तो हमारा ET इस तरीके से ET निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, वो क्वेश्चन में ये दिया है
कि एक सर्कुलर वायर है, एक वायर है उसमें तीन वो आपके रखे हैं, मतलब आपका ये जो फ्लो रहा है करंट, वो डायरेक्शन एक में जो हो रहा है वो II हो रहा है, एक में माइनस, एक में 2I हो रहा है, ठीक है, एक अपोजिट है, बाकी दो एक डायरेक्शन में है। तो आपका ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हमारा जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड में जो भी कभी भी निकालेंगे तो हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। तो एम्पियर्स लॉ हमने लगा दिया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये एम्पियर्स लॉ होता है, बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं हम फार्मूला, बी ई डॉट डी एस, ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और क्यू इक्वल टू रो वी भी लगाते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो रो वी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा म्यू जीरो आई की डायरेक्शन दो एक बड़े डायरेक्शन में II, तो II ऐड कर लिया, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा, तो माइनस टू आई हो गया, तो ये आपका जीरो हो गया। और इसमें उसमें क्या रखते थे, डीएस की जगह 4πd², इसमें क्या रखते हैं 2πr रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें बच्चों क्या दिया है, इसमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, B इक्वल टू 1/ω भी होता है कहीं कहीं, 1/c भी होता है, तो 1/c K क्रॉस E, K क्रॉस E, K क्रॉस E, K क्रॉस E कर दिया, E ये हो गया, K क्रॉस I होता है आपका J। अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो हम आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, तो आपको आंसर सिर्फ डायरेक्शन देख के ही पता चल जाया करेगा। तो 1/c K क्रॉस E और आपका J हो गया, ये J हो गया, बाकी सेम रहा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड पूछता हो, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2 मार्क्स में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैं आपको कल भी कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको मैं कल कराऊंगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।